ओहो, इसमें लेस भी लगा है, लेकिन लेस भी लगा। ये देखो बड़ा आसान है, खोलो खोलो खोलो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम प्रतिमा। सो कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम मस्त, मम्मी बोल मैं भी मस्त। तो आज ना बहुत बहुत मस्त। तो आज ना मैं एक पार्सल है मेरे पास, जो आज मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए, जिसमें हम दोनों सेम साड़ी पहनेंगे। अच्छा, जो आलिया भट्ट ने पहना था ना, एग्जैक्ट सेम साड़ी। तो अभी तक हमने पार्सल ओपन करके नहीं देखा, और जल्दी से अब मैं ओपन करके बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। तो मम्मी पार्सल खोले आप। नहीं नहीं नहीं, आप खोलो आप खोलो। आज मम्मी कह रही थी कि पार्सल तो मैं ही खोलूंगी। अच्छा, हमको सिखा रही है? क्यों मम्मी? मम्मी कह रही क्या चिल्ला, मम्मी हाथ से खुल जाएगा, खोलो। ये देखो बड़ा आसान है, खोलो खोलो खोलो। ओ माय गॉड, खोलो खोलो खोलो। यस, ओहो, इसमें लेस भी लगा है, मुझे नहीं मालूम था कि लेस भी लगा रहेगा। ये रही वो साड़ियां, सच में साड़ी तो अच्छी लग रही है। तो ये दो साड़ियां हैं जो आपने देखा होगा, आलिया भट्ट ने एक साड़ी पहनी थी, उसमें ना प्रमोशन के, आई थिंक पिक्चर के प्रमोशन में पहना था, पिक्चर के प्रमोशन में पहना था ये सेम साड़ी, और जॉर्जेट की थी, ओम्ब्रे शेड था, तीन कलर में। तो ये आ गई है हमारे पास। तो चलो इसको ओपन करके देखते हैं कैसा है ये। मम्मी ओपन करिए अपनी साड़ी। मैंने पहले ओपन कर ली मम्मी। अब इनको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, कुछ दिनों में अनबॉक्सिंग की, अभी तक अनबॉक्सिंग इन्होंने कभी किया नहीं। तो ये रही मम्मी की साड़ी और ये रही मेरी साड़ी। अच्छा, ब्लाउज लाइट ब्लू कलर का, इसमें ब्लाउज भी होगा मम्मी। ये रहा, अच्छा आपका ब्लाउज, नहीं नहीं सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल, मुझे लगा अलग अलग मटेरियल है। तो ब्लाउज का तो अभी हमें कुछ करना है नहीं, तो इसको रखते हैं साइड में। मम्मी खोल के देखो कैसी लग रही है ये साड़ी। यार अच्छी लग रही है मम्मी, इधर साइड से होगा, सुंदर लग रही है भाई, काफी सुंदर। नहीं यार सेम होगा, ऐसे मत बोलो। अच्छा, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था ना कि इसमें लेस लग के आएगा। ये मैंने ऑर्डर किया है मीशो से ये दोनों साड़ियाँ, और मुझे ये था कि उस, क्योंकि पता है बहुत सारे ऐसे यूट्यूब में वीडियोस पड़ी हुए हैं मीशो से, जिसमें ना लेस लग के नहीं आया था साड़ी में। तो मुझे लगा मेरे में भी नहीं लग के आएगा, ठीक है कोई बात नहीं हम पहन लेंगे। लेकिन इसमें जब लेस लगा तो मैं खुश हो गई, मैंने कहा चलो लेस लगा हुआ है तो एक लुक लुक आ जाएगा। साड़ी तो आ गई थी, लेकिन हम सोच रहे थे कि यार ब्लाउज तो स्टिच नहीं है, क्या पहनेंगे। फिर मैंने बहुत ढूंढा, तब जाके मुझे ये दो ब्लाउजेस मिले जो मैंने बहुत पहले स्टिच करवाए थे। और किस्मत तो देखो, ब्लाउज ना एकदम मैच कर गया, जैसे लगा इसी के लिए स्टिच करवाया हो। ओके, सो ब्लाउज तो स्टिच्ड है नहीं, तो अब हमें काम चलाना है। तो मेरे पास ये दो ब्लाउज रखे हुए हैं, ये एक स्मॉल साइज का है, एक एक्सेल साइज का है, तो ये हम दोनों एडजस्ट कर लेंगे। पीछे स्ट्रैप है ना, तो हो जाएगा एडजस्ट। तो एक मेरे लिए हो जाएगा, एक मम्मी के लिए हो जाएगा। अब हम आपको पहन के दिखाएंगे। सो असली जंग ना यहाँ से स्टार्ट होती है भाई। साड़ी पहनना इतना आसान नहीं है। मैंने ना, मतलब हमने ना बचपन से साड़ी मैंने बहुत पहनी है। मम्मी की जो नई साड़ी आती ना, समझ लो मैं सबसे पहले पहनती थी, लेकिन मैं उसको ना हमेशा जीन्स के ऊपर से ही पहनती थी, कभी पेटीकोट डाल के पहना नहीं। तो वो एक जो कम्फर्ट, या फिर आपको जो आप जिस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हो ना, वो एक्सपर्टीज़ मेरे में नहीं है साड़ी पहनने में। मैं ऐसे वैसे पहन लेती हूँ, लेकिन कोई कहे कि तुम अच्छे से प्रॉपर पहन के आओ, तो भाई प्रॉपर नहीं आती। तो भाई मैंने जिस तरह हुआ मैंने पहन लिया, एंड मैंने अपनी मम्मी को खींचा, मैंने कहा अब आ जाओ तुम भी इधर आ जाओ। एंड यहाँ पे ना हमने ट्विनिंग की भाई, मुझे पर्सनली बहुत बहुत अच्छा लगता है कि साथ में एक जैसा पहने। तो मैं और मम्मी तो हमेशा सोचते हैं कि साड़ी एक जैसे पहनेंगे, मम्मी सूट पहनती नहीं है, तो सूट जब पहनती नहीं है तो भाई साड़ी एक लास्ट ऑप्शन बचता है। एंड यहाँ पे ना हम दोनों ने फाइनली ट्विनिंग कर ली, एंड इट लुक्स रियली गॉर्जियस यार। तो ये है वो आलिया भट्ट की साड़ी जो हम दोनों पहने हुए हैं। और अम्मी कैसी लगी आपको ये? हाँ कैसी लगी, शीशे में देखो तो कैसी लगी? सुंदर लगती है, सुंदर तो लगती है, दोनों लोग बढ़िया लगता है, है ना? कपड़ा कैसा लगा आपको? मतलब इसका कलर वगैरह तो बहुत अच्छा है, नो डाउट कलर बहुत अच्छा है इसका, जो ओम्ब्रे इफेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है। इसका मटेरियल भी मुझे अच्छा लगा, एंड सबसे बड़ी बात कि इसमें मुझे लगा था इसमें ना लेस नहीं लगा होगा, लेकिन लेस भी लगा हुआ है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। एंड जिसे लेना हो फटाक से जाके लो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मम्मी लग रहा है आपको ये साड़ी? ये दोनों पहने हैं, एंड यहाँ पे किसी ने कुछ नोटिस किया,
कि मम्मी कितना खुश है साड़ी से। सच बताओ मम्मी बहुत मम्मी कैसी बहुत लग रही है आपको खुश शीशे में, देखो जरा कैसी लग रही है आपको ये साड़ी, बहुत अच्छी लग रही है। और मम्मी लिटरली कह रही थी कि बहुत अच्छी बहुत लग रही है रुचि, रुचि इसे लेना है, इसे रिटर्न नहीं करेंगे बहुत, हम, क्योंकि हमने अच्छा सोचा था कि अगर साड़ी पहली बार हमने मंगाया हमने कहा यार अच्छी आएगी कि नहीं मीशो से, और क्योंकि इसका रेट 592 था तो वी वर नॉट श्योर। तो मम्मी आपको कैसा लगा ये कलर कॉम्बिनेशन, कैसा लगा इसका मटेरियल, कैसा लगा आप मुझे बताओ एकदम। सच बताऊं बहुत बहुत अच्छा था, अच्छा है कलर, अच्छा है, रखोगी कि रिटर्न कर दोगी? रखेंगे, दोनों लोग, दोनों लोग पहनेंगे फिर साथ में, है ना, जब बाहर निकलेंगे तो लोग कहेंगे हाँ माई बेटी जा रही है। बहुत बहुत अच्छा था मम्मी की डायलॉग ना, बहुत 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 अच्छा था। तो सच में मैं सच बता रही हूँ बहुत अच्छा था, आप जाके लो 100%, इट इज सो अमेजिंग, द क्वालिटी इज एक्चुअली वेरी गुड। ऑम्ब्रे शेड इसका बड़ा सुंदर लग रहा है, इससे नीचे देखो ना तो बड़ा सुंदर लगता है। ये लुक देख के ना मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत बहुत दिनों से कह रही थी कि रुचि हमें सेम पहनना है, सेम ट्विनिंग करना है। यहाँ पे ना मैं जैसे ही बाहर निकली ना वैसे ही देखा कि कोई आ रहा था कॉलोनी से, मैं डर गई, साइड हो गई, एंड देन यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैंने कही लाओ पोज दे दूँ, बाहर साइड आती हूँ ना तो कलर बहुत अच्छे दिखते हैं, जो एग्जैक्ट साड़ी का जो कलर होता है ना तो वो दिखने लगता है। तो बाहर आके मैं एक बार ज़रूर शूट करती हूँ, और अभी मतलब मुझे सही लगा कि इस टाइम पे शूट करना चाहिए, एग्जैक्ट कलर शो होता है। पर क्या होता है ना कि कॉलोनी से लोग आते जाते रहते हैं तो मैं थोड़ा सा छुपती रहती हूँ, कोई मुझे देख न ले साड़ी पे, तो कभी मैं इधर छुप जाती हूँ कभी मैं झुक जाती हूँ नीचे, लेकिन फिर भी लोग देख लेते हैं। हाँ जब वो व्लॉग देखते हैं ना तो पर्सनली मुझे मैसेज करते हैं कि यार तुम्हारा व्लॉग देखा था बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छा बोलती हो, तुम बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती हो। और यस यहाँ पे हम दोनों फिर से छुप गए थे क्योंकि कॉलोनी में कॉलोनी का कोई था नोन पर्सन वो आ रहे थे, तो हम लोग छुप गए, एंड देन हमने थोड़े पोजेस दिए जहाँ पे हम कुछ बातें भी कर रहे थे कि मम्मी सही लग रहा है कि नहीं, अच्छा ये साड़ी ऐसे कैरी करते हैं। मेरी मम्मी ना फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम उन्होंने इस तरह पल्लू ओपन पल्लू करके साड़ी पहना था, तो वो मुझे पूछ रही थी रुचि मैं कैसे करूँ, ऐसे सही लग रहा है वैसे सही, तो मैंने एक्सप्लेन करी थी कि मम्मी हाथ पे इस तरह गैदरिंग होती है, साड़ी को इस तरह पहना जाता है, पीछे के पल्लू को इस तरह लिया जाता है, तो बहुत ही ज्यादा वो खुश थी। सो यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कॉमेंट करना, ये पहली बार हम दोनों ने सेम साड़ियाँ पहनी हैं, एंड सच बताऊँ बहुत बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोग फोटोज़ देख रहे थे पलट के कि किस तरह लग रही है, सच बोलूँ जब ट्विनिंग की है ना तो बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच, ये मीशो से हमने ऑर्डर किया था, अगर आप लोग को पसंद हो तो आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रखी हूँ, जाके देखो ऑर्डर करो, एंड या मुझे बताना ज़रूर कि कैसा लगा।